खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से मां बेटी की आग में जिंदा जलकर हुई मौत के मामले में राजनीतिक हलचल हुई तेज। ब्राह्मण सभा के नेता दुर्गेश मणि त्रिपाठी पहुंचे घटनास्थल, मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर आवाज की तेज। मां बेटी की आग में जिंदा जलकर हुई मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक विधान मंडल दल मनोज पांडे बोले। वहीं कानपुर देहात की घटना के सीधे तौर पर भाजपा सरकार द्वारा कराए गए सुनियोजित तरीके से हत्या कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का आया बयान। एक ब्राह्मण परिवार अपने आप को आग लगाकर जलाता रहा और अधिकारी मुख बनकर मानवीय समुदायों को तार तार करते रहे। इस घटना की न्यायिक जांच हो रही है। जो लोभी लोग दोषी सरकार में बैठे और अधिकारी, उन सबको वही सजा। मेधा की घटना है, मैं समझता हूँ कि आजाद भारत में इससे दर्दनाक घटना और क्या हो सकती है। जब बिना कोई सूचना और नोटिस के वहाँ के प्रशासन के अधिकारी एक गरीब ब्राह्मण के परिवार के मकान को गिराने पहुंच गए और गिराने पहुंचने के गिरा दिया। आप सोचिए, घर किसी व्यक्ति का सपना होता है, उसका पूरा जीवन होता है, पूरे जीवन की कमाई से वो एक मकान बनाता है, और आप कौन से कानून की बात करते हैं? आपने नोटिस नहीं दिया, आपने सूचना नहीं दिया, और आज इतनी बड़ी दर्दनाक घटना देखने को मिली कि प्रमिला दीक्षित बहन और नेहा दीक्षित जिस तरह धू धू करके जली हैं, और जो वीडियो देखने को आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। और फिर प्रशासन के उच्च अधिकारी कुछ उस पर लिपापोती करने का काम करें। आज तो उन्हें ये करना चाहिए कि जिन लोगों के कारण और जिनकी निगलिजेंसी के कारण ये घटना घटी है, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल मुकदमा लिख करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। तो आज उसे पर्दा डालने की बात की जा रही, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन हमारी अध्यक्षता में कानपुर जा रहा है, हम पीड़ित परिवार के साथ मिलेंगे, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है, और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर करेगी। कानपुर की घटना सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार तार किया गया, एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, तो ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं दूसरी समस्याओं से, और जिस तरीके से घटना हुई है इसकी स्पष्ट तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं टॉप लेवल के अधिकारी, सरकार से जुड़े लोग, वो निकलकर सामने आनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको मिले जो एक हत्यारे को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।